खरकड़ी में पढ़ने वाले दर्जनों बच्चों को आज भी जान हथेली पर रखकर नाले को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों को अपने स्कूल बैग, जूते आदि हाथ में पकड़कर नाला पार करना पड़ता है। कई बार तो पैर आदि फिसलने से बच्चों के कपड़े, जूते और बैग पानी से भीग जाते हैं। बता दें कि ये खट ग्राम पंचायत खरकड़ी और ग्राम पंचायत लोहा की सीमा पर है, लेकिन किसी भी पंचायत ने इस खट पर पुली डालने की हिम्मत नहीं की है, जिसके चलते चिल्ट ब्लेट, कमाद बाली व सुद्रोटी आदि गांवों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरकड़ी में पढ़ने वाले दर्जनों छोटे बड़े बच्चों को जान हथेली पर रखकर खड्ड पार कर स्कूल जाना पड़ता है। बारिश के समय ये खड्ड पूरे उफान पर होती है और कोई भी बच्चा बहकर गोविंद सागर झील में समा सकता है। ये खड्ड थोड़ी ही दूरी पर गोविंद सागर झील में समा जाती है। भारी बरसात के चलते स्कूली बच्चों को जान हथेली पर लेकर खड्ड पार करनी पड़ी और खड्ड पार करते समय कई बच्चे गिरने व बहने से बाल बाल बचे। खरकड़ी सिंह सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के दिनों, बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत आ जाती है। जो हमारे इसके साथ सड़कें हैं, पुलियाँ हैं, वो कच्ची है, नालों में पुलियाँ नहीं है और बरसात जब बारिश होती है तो बच्चों को उसमें आने के लिए बहने का भी खतरा रहता है। हमारे सरकार से गुजारिश है कि ये इलाका पहले काफ़ी जो है डैम ऑस्टी लोग हैं, यहाँ डैम से के लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों की समस्या बड़ी गंभीर है। अभी इनको पोलियाँ डाल दी जाए, पक्का कर दी जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई भी समस्या पैदा ना हो। जब बच्चे पोलियों में खड्डों से आते हैं, उनके बूट भी गिले होते हैं, कपड़े गिले होते हैं, वस्त्र भी गिले होते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनके लिए पोलियाँ डाल दी जाए और सड़कें जो पक्की हो जाए जहाँ से बच्चे आते हैं। यही हालात हमारा नकराना पंचायत में है। नकराना पंचायत के भी कोई भी रोड पक्का नहीं है। जो भी बच्चे हैं और लड़के लड़की स्कूल में जाते हैं उनको बहुत दिक्कत है। तो मेरा ये निवेदन है कि उन सड़कों को भी जल्दी जल्दी पक्का किया जाए और पुलियों को बनाया जाए।